Welcome again in the next part of the coordination compound. Today we will discuss about the next important theory related with the coordination compounds, that is the crystal field theory, followed by the factors affecting stability of the complexes. So first of all, we will discuss about the crystal field theory. तो फिर अब हम सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही स्टडी करेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको यहाँ पे, देखो हम सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जितने भी आपके क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टल्स भी कौन से, जो आपके आयनिक क्रिस्टल्स हों, आपने ये पहले से पढ़ा है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आपके पास आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। एग्जांपल जैसे आप देखें NaCl, इसमें Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव, ऐसे ही Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अगर आप इसका क्रिस्टल लैटिस देखेंगे तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे नेक्स्ट लेयर में अगर आप देखेंगे तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड सो ऑन। देखो ये जो क्रिस्टल लैटिस है, इसमें आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच जो ये इंटरेक्शन है, दैट इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ये आयनिक इंटरेक्शन है, आयनों के बीच जो ये इंटरेक्शन है, बिल्कुल सेम इंटरेक्शन को ही लेके एक्सप्लेन की गई ये थ्योरी, दैट इज द फील्ड थ्योरी। सो इट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि जो फील्ड थ्योरी है इसके अंदर जो इंटरेक्शन है, दीज इंटरेक्शन आर लाइक दैट प्रेजेंट इन द आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल ऐसी ही सेम अट्रैक्शन फील्ड थ्योरी के अनुसार ये कहा गया कि जो एक मेटल आयन होगा, देयर इज ए मेटल आयन, मेटल आयन M लिख दिया हमने, नेक्स्ट आर दी लिगेंड्स जिसको हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया। मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, दे आर प्योरली आयनिक अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, दे आर प्योरली आयनिक, दे आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक दैट ऑफ द अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल्स, प्रेजेंट इन द आयनिक सॉलिड्स। And because of that reason, that field theory is called as the crystal field theory. आ गया बेटा समझ में यहां तक कि जो ये field theory है, इसके आगे crystal word क्यों use किया गया? क्योंकि जो interaction थी, उन्हीं interaction के basis के ऊपर ही crystal word use किया गया। Field theory के अंदर जो interaction थी, वो भी ionic, crystals के अंदर, ionic solids के अंदर भी जो interaction है, वो भी ionic. And because of that reason, the field theory is called as the crystal field theory. तो अब इसके जो postulates हैं, वो postulates क्या हैं? First point तो यही हो गया, जो अभी हमने आपको बताया कि the interaction in between the metal and the ligands is 100% ionic. उससे पहले आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि the metal or the metal ions are surrounded by metal or the metal ions are surrounded by ligands. ये आपका पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट, सराउंडेड तो है लेकिन सराउंडेड क्यों है? सराउंडेड तभी होंगे जब उनके बीच अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्शन कौन सी? तो नेक्स्ट पॉइंट यही आ जाता है, द अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द सराउंडिंग लिगेंड्स and the surrounding ligands is 100% ionic. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया कि जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेनली इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर ही अप्लाई किया गया था, जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जब उनकी तरफ आपके लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, डीप
सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डीजनरेट नहीं रहेगी। डीजनरेसी शब्द का मतलब होता है, देखो मैंने साइड में ये वर्ड लिखा आपके लिए, डीजनरेसी। डीजनरेसी मीन्स सेम एनर्जी, डीजनरेसी मीन्स सेम एनर्जी, मीन्स सेम एनर्जी कब तक रहेगी। देखो ये मैंने एनर्जी की लाइन यहाँ पे ड्रा की, यहाँ पे मैंने लिख दिया देखो डी सबशेल के ऑर्बिटल्स, क्योंकि डी के अंदर पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने पांच ऑर्बिटल्स दिखा दिए, दैट इज द डी सबशेल। देखो सभी बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर प्रेजेंट है, ऑल द डी सबशेल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम लाइन, मीन्स ऑल द फाइव डी सबशेल ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, एंड द सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड कॉल्ड एज द डीजनरेट ऑर्बिटल्स, अपने डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजनरेट मीन्स सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ऑल द डी सबशेल ऑर्बिटल्स विल हैव द सेम एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ द सराउंडिंग लिगेंड्स। सराउंडिंग लिगेंड्स की अब्सेंस में जब मेटल अकेला होता है तो उसके पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल के, उनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of the ligands yeah, you can say that when the ligands approaches towards the metal atom or the metal ion, the degeneracy get destroyed, the degeneracy of the d subshell orbitals get destroyed, वो destroy हो जाती है, वो same नहीं रहती। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि जो ये डिस्ट्रॉय तो होंगी, लेकिन डिस्ट्रॉय किस वे में होंगी। तो जो ये डिजनरेसी डिस्ट्रॉय होगी, उसका जो डिस्ट्रक्शन है, इट डिपेंड्स किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, यही बन जाता है हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजनरेसी of d subshell, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि द स्प्लिटिंग, क्योंकि वो सेम एनर्जी के तो नहीं रहेंगे सभी ऑर्बिटल्स, मीन्स स्प्लिटिंग होगी, मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ द d subshell डिपेंड्स अपॉन, किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम में ये जो पॉइंट नंबर 5 अभी हमने लिखा कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डीजनरेसी ऑफ द डी सबशेल डिपेंड्स अपॉन, या द स्प्लिटिंग ऑफ द डी सबशेल डिपेंड्स अपॉन, या द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्प्लिटिंग ऑफ द डी सबशेल, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। एग्जाम में ये पॉइंट नंबर 5 अलग से आपसे पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, तो जो ये स्प्लिटिंग है डी सबशेल की, ये डिपेंड करती है, ए पॉइंट इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द लिगेंड्स। नंबर ऑफ द लिगेंड्स मीन्स हाउ मेनी लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, that is the number of the ligands. Next, किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, नेक्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड्स, ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स। थर्ड फैक्टर जो डिपेंड करता है, दैट इज द नेचर ऑफ द लिगेंड, nature of the ligands means whether the ligands which are approaching towards the central metal atom or the ions, whether they are the weak ligand or the strong ligand, that called the nature, means the nature of the ligands. In the splitting of the d subshell orbitals, when the ligands are approaching towards it, depends upon these three factors, that is the number of ligands, orientation of the ligands, and the nature of the ligands. In teen factor ke upar डिस्ट्रक्शन ऑफ द डीजनरेसी ऑफ द डी सबशेल डिपेंड करती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट ये आ गया कि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स का आखिर मतलब क्या है। नंबर ऑफ लिगेंड मींस इफ द लिगेंड्स अप्रोचिंग आर 4 और द लिगेंड्स अप्रोचिंग आर 6, हो सकता है 6 लिगेंड अप्रोच करें, हो सकता है सिर्फ 4 लिगेंड्स अप्रोच करें।
अगर फोर लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो जो स्प्लिटिंग होती है वो दो टाइप से हो सकती है, वेदर द स्प्लिटिंग कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, और इट इज कॉल्ड एज द स्क्वेयर प्लेनर स्प्लिटिंग। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है ये कि अगर फोर लिगेंड्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp3 हो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, अगर dsp2 हो या sp2d हो तो उन दोनों केसेस में हाइब्रिडाइजेशन, अगर dsp2 या sp2d हो तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है, स्फीयर प्लेनर, और उस केस में स्प्लिटिंग कहलाती है स्फीयर प्लेनर स्प्लिटिंग। इफ द नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6 व्हिच आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन देन द स्प्लिटिंग कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। लेकिन हम इनकी डिटेल में जाएं उससे पहले बेसिक बता देते हैं कि स्प्लिटिंग कब होगी ज्यादा। कोई आपसे ये पूछे कि पहले तो आपने देखो डायग्राम में ऊपर दिखा कि सभी डी सबशेल ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, अब स्प्लिटिंग होनी है। स्प्लिटिंग मीन्स कुछ दो सेट में स्प्लिटिंग होती है हमेशा ही, आमतौर पे डी सबशेल ऑर्बिटल्स गेट स्प्लिट इन द टू सेट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द लिगेंड्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट, वेदर द लिगेंड्स आर फोर और द सिक्स, दे गेट स्प्लिट इन टू सेट्स। लेकिन स्प्लिटिंग होगी कैसे, कम होगी ज्यादा होगी, जैसे अभी आपने देखा कि इफ देयर इज नो सराउंडिंग लिगेंड नो स्प्लिटिंग, हमने ऊपर लिखा था ना कि ऑल द डी सबशेल ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ द सराउंडिंग लिगेंड्स। अगर कोई लिगेंड नहीं, डी सबशेल के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम है, लेकिन जब कभी भी लिगेंड अप्रोच करेंगे, अगर एक लिगेंड आता है, दो लिगेंड आते हैं, थ्री लिगेंड्स आते हैं, फोर लिगेंड आते हैं, मीन्स लिगेंड के आने से स्प्लिटिंग होती है, मीन्स जिन दो सेट में स्प्लिट होंगे डी सबशेल ऑर्बिटल्स उनके बीच का जो गैप होगा, दैट गैप, वो गैप कम है या ज्यादा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द लिगेंड्स। अगर देखो कोई लिगेंड ही नहीं था तो देखो कोई गैप ही नहीं, बिकॉज ऑल द डी सबशेल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम लेवल, वो बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर प्रेजेंट है। तो इन सभी चीजों के अब हम आपके सामने डायग्राम बनाएंगे अभी, और उसी डायग्राम के अंदर जो पॉइंट नंबर बी है हमारा, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड, आप वहीं पर इस बात को भी समझ पाएंगे। ओरिएंटेशन मीन्स वेदर जो आपकी रिपल्शन है, मीन्स जो लिगेंड है और जो मेटल आयन का जो ऑर्बिटल है डी सबशेल ऑर्बिटल, वो बिल्कुल आमने सामने है तो मीन्स रिपल्शन ज्यादा होगी, अगर आमने सामने नहीं, थोड़ी साइड से वो अप्रोच कर रहा है तो रिपल्शन कम होगी, मीन्स डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड्स। नेचर ऑफ द लिगेंड मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा डी सबशेल की, और वीक लिगेंड है तो डी सबशेल ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग क्या करेगा, कम करेगा। तो मीन्स स्प्लिटिंग डिपेंड करती है, स्प्लिटिंग होगी तो भी कितनी होगी, तो उसके लिए यही आपके तीन फैक्टर थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको जो पॉइंट नंबर 1.5 का ए पॉइंट है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम देखते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले अब हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ले लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि नाम से तो आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे ऑक्टा का मतलब 8 होता है, लेकिन आप हाइब्रिडाइजेशन के दौरान से ये समझते आए हैं कि इफ देर आर 6 bonds, 6 species present around the central metal atom or the ion, then structure called as the octahedral structure. 6 bond बने हुए दिखाई दे, तो 6 bond वाली structure को आप octahedral structure कहते हैं। तो octahedral splitting में होता क्या है, इसके बारे में देखो जो आपको ध्यान रखना है, पहले देखो आपके सामने diagram बना देंगे हम। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि there are 5 orbitals in the d subshell, देखो ये 5 ऑर्बिटल्स, इनके नाम भी हम आपको पहले बता चुके हैं, देखो यहाँ पे हमने एनर्जी भी लिखा, द नेम ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स बोलो क्या क्या नाम था, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and the dz square, ये 5 d सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, सभी की एनर्जी सेम है, लेकिन जब 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं, देखो मैंने ये डायग्राम दिखाया आपको बनते हुए, देखो यहाँ पे, then these 5 d subshell orbital get split in the two sets, the lower set called as the t2g orbitals and the upper set called as the eg orbitals, upper set called as the eg orbitals having the two orbitals, लेकिन आखिर ये हैं कौन से, आखिर ये कौन से हैं? देखो अभी सबसे पहले दोबारा से मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे नीचे आपको सीखना पड़ेगा उस चीज के लिए,
मान लीजिए मैंने डी एक्स वाई का डायग्राम बनाया आपके लिए, एक साइड में एक्स लिखा, एक वाई, देखो डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई कौन होते हैं, जिसमें ऑर्बिटल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन दी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर देखो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो ये डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर आपके सामने बन गई। अगर इसी टाइप से मैं स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ पे डी वाई जेड की, तो कैसे बनाएंगे, एक एक्सिस को वाई मान लें, दूसरे को जेड, उसी टाइप से आप दो डंबल बनाएंगे, डबल डंबल शेप होती है, these two dumbbells are present on the axis on y and z axis, then it is the structure of d y z. similarly agar hum diagram banaye yahan pe d x z ka, ek axis ko aap x manenge, dusre ko z, if these two dumbbells are present on the x and z axis, then it is called as the d x z. iske baad ab hum diagram banate hain yahan pe d x square minus y square ka, d x square minus y square also have the double dumbbell shape, means x and y axis, these two orbitals are present, where these two orbitals are present, बोलो कहाँ पे present होंगे, x या y पे। मैंने कुछ जानबूझ के error की है आपके लिए, मैं ये देखना चाहता था कि अभी तक आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, वो error क्या थी जल्दी बताएं, हाँ बेटा जल्दी बताओ error क्या थी, dx square y square में, हाँ बताओ, तो ठीक है बाकी सब में slanting है, तो where these double dumbbell orbitals should be present, बताओ कहाँ पे होने चाहिए ये आपके dxy dyz और dxz जो थ्री आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑल दीज थ्री ऑर्बिटल्स द टू डंबल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, आपको ये पहले भी बताया था हमने, देखो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, y और z के बीच में हो तो dyz, x और z के बीच में प्रेजेंट है, then this called as the dxz. Means in case of the dxy, dyz and dxz, all these two dumbbells are present in between the axis. While in case of the dx square minus y square, these two dumbbells are present on the axis. तो आप बिल्कुल ध्यान रखा करें, डी ब्लॉक के दौरान आपको ये सारी बातें बताई गई थी, अगर आप इस चीज को बाय चांस एग्जाम में गलत लिख दिया तो फिर जीरो मार्क्स मिल सकते हैं। खैर लास्ट देखते हैं अब हम हमारा डी जेड स्क्वेयर की, देखो स्ट्रक्चर ही हमने ये जेड एक्सिस ले लिया और वन ऑफ द डंबल इज प्रेजेंट ऑन द जेड एक्सिस एंड एस ऑर्बिटल, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू ऑर्बिटल्स, दैट इज द एस एंड द पी जेड, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डी जेड स्क्वेयर। ये डी जेड स्क्वेयर होता है, एग्जाम में पूछ भी ले डी जेड स्क्वेयर है क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स, दैट इज द पी जेड एंड द एस। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने डायग्राम बना दिया, अब हम आपसे ये पूछें हाउ द लिगेंड्स विल अप्रोच। ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग में ये चीज तो बड़ी कॉमन है, द सिक्स लिगेंड्स, देयर विल बी द सिक्स लिगेंड ही होंगे, एंड दीज सिक्स लिगेंड विल अप्रोच टुवर्ड्स दीज फाइव ऑर्बिटल्स, जो कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स थे पहले, देखो हमने शो कर रखा है ऑल दीज फाइव ऑर्बिटल्स, देखो जो पांच ऑर्बिटल ऑल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ द लिगेंड, बट व्हेन एवर दीज सिक्स लिगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स दीज डी सबशेल ऑर्बिटल्स, देन व्हाट विल हैपन, दे गेट स्प्लिट इन टू सेट, वन इज द टी टू जी, अदर वन इज द ई जी। हमने टी टू जी में थ्री ऑर्बिटल्स दिखाए हैं वो नीचे हैं, ई जी में दो ऑर्बिटल्स दिखाए वो ऊपर हैं, तो आखिर वो कौन से, आखिर वो कौन से होने चाहिए। देखो वैसे तो साफ साफ आपको दिख रहा है, अगर बड़े ध्यान से देखें तो ऊपर वाले जो थ्री डी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, इनमें एक बड़ी कॉमन चीज है तीनों के अंदर, बोलो वो कॉमन चीज क्या है, वो कॉमन चीज ये है कि ऑल दीज थ्री, दैट इज अ डी वाई जेड डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स वाई, इन ऑल दीज थ्री द टू डंबल आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, जो डंबल है वो बोलो कहां पे प्रेजेंट है, इन बिटवीन द एक्सिस, मींस द ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, व्हाइल द सिमिलरिटी इन बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स, दैट इज अ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड द dz स्क्वायर, इज दैट देयर ओरिएंटेशन इज सेम, मींस द ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बेसिस के ऊपर आपके जो d सबशेल के पांच ऑर्बिटल्स हैं उनको हम दो सेट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन से दो सेट, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, वो आपके तीन बन गए डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और आपको दिख गया टी टू जी हमने लिख रखा है, तो व्हाट आर दीज टी टू जी, टी टू जी यही थ्री है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और जो ई जी कौन है, वो दोनों एक जैसे ओरिएंटेशन के हैं, मीन्स डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। अब ऐसा क्या हुआ कि टी टू जी को तो हमने नीचे दिखा दिया, ई जी को ऊपर, मीन्स सिक्स लिगेंड जब अप्रोच करे तो कैसे करें,
किसकी एनर्जी ज्यादा है? देखो ये एनर्जी लाइन हमने यहाँ पे साइड में ड्रा कर रखी है, तो आप ये बताएं किसकी एनर्जी ज्यादा दिख रही है आपको इस डायग्राम में? विच हैव द हायर एनर्जी, T2g ऑर्बिटल्स या EG ऑर्बिटल्स? EG. हाँ, EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है, T2g की कम है. तो कम एनर्जी T2g की है, इट मीन्स T2g वाले ऑर्बिटल्स को रिपल्शन कम मिली होगी. कम रिपल्शन कैसे मिले? इट मीन्स जो लिगेंड्स हैं उन्होंने अप्रोच कैसे किया, मीन्स द लिगेंड्स विल अप्रोच अलोंग द एक्सिस. देखो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस अप्रोच किया, और जो ऑर्बिटल्स हैं देखो हमने ये एल लिख दिया, और ऑन द एक्सिस देखो हमने सभी के अंदर दिखाया, सभी डायग्राम के अंदर आप बड़े ध्यान से देखें हम कैसे दिखा रहे हैं लिगेंड्स को अप्रोच करते हुए ऑन द एक्सिस. तो ऑन द एक्सिस जब लिगेंड अप्रोच करेंगे, व्हेन ऑल द सिक्स लिगेंड इन केस ऑफ द ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग, इन केस ऑफ द ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, द सिक्स लिगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स द मेटल एटम और द मेटल आयन अलोंग द एक्सिस. व्हेन द सिक्स लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस किसके ऑर्बिटल प्रेजेंट है? आपके dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर के प्रेजेंट है ऑन द एक्सिस, इसलिए इनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी. और क्योंकि जो आपके T2g वाले ऑर्बिटल्स थे dxy, dyz, dxz, here these orbitals are present in between the axis. On the axis तो नहीं है, repulsion तो इनको भी मिलेगी, लेकिन इनको repulsion मिलेगी कम. Means energy सभी की increase हो गई, लेकिन ज्यादा energy किन की increase हो जाएगी बोलो? ज्यादा energy increase होगी EG की. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा यहाँ पे कि सर आपने ये कैसे बोल दिया कि T2g की एनर्जी भी इंक्रीज होगी, लेकिन आपका डायग्राम तो ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा. यहाँ पे तो आपने दिखा रखा है कि जो जो पांच ऑर्बिटल्स थे उनसे कम एनर्जी हो गई T2g की और ज्यादा एनर्जी हो गई EG की. देखो ये बीच वाली जो लाइन है, देखो बीच वाला सेंटर लाइन जो हमने पांच ऑर्बिटल्स की दिखाई, दैट इज कॉल्ड एज अ बेरी सेंटर. आप इसे बेरी सेंटर कहते हैं, BARY और आगे सेंटर. तो वो सेंटर जिसके ऊपर सभी डी सबशेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, उसे बेरी सेंटर कहते हैं. तो T2g वालों की कम हो गई, EG वालों की ज्यादा हो गई. लेकिन अभी मैंने एक शब्द यूज किया था कि व्हेन ऑल द सिक्स लिगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स द डी सबशेल ऑर्बिटल्स, द एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स, ऑल द फाइव ऑर्बिटल विल इंक्रीज, बट सम ऑर्बिटल्स एनर्जी इंक्रीजेस टू द लार्जर एक्सटेंट, वो EG है, और जिसकी थोड़ी कम बढ़ेगी वो T2g है. ये पार्शियल डायग्राम हमेशा आपको बुक्स में मिलेगा. अब देखो एक्चुअल डायग्राम आपके सामने बनाते हैं, लेकिन वो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है आपके अब भी बोर्ड एग्जाम में. देखो कुछ किस टाइप से, इधर देख लेना साइड में. देखो ये पांच ऑर्बिटल्स थे, देखो डी के, ध्यान से देखना. अब क्या हुआ, जब पांच लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो एकदम एनर्जी इंक्रीज हो गई. देखो पांचों की, देखो ये मैंने इंक्रीज होते हुए दिखा दी पांचों की, और इंक्रीज होने के बाद नाउ दे गेट स्प्लिट इन टू सेट्स. देखो इस टाइप से T2g हमने नीचे दिखा दिए और EG देखो हमने ऊपर दिखा दिए. ओवरऑल अब आप बताएं कि ये एनर्जी लेवल, देखो डायग्राम है, पहले जो एनर्जी थी देखो ये रहे नीचे, दिख गए ना नीचे एनर्जी. अब जो नीचे पहले जो पांच ऑर्बिटल्स थे डी सबशेल के, उससे देखो ये एनर्जी इंक्रीज हो गई. देखो इतनी एनर्जी इंक्रीज हो गई बोलो किन की? T2g की. और इतनी ज्यादा एनर्जी बोलो इंक्रीज हो गई बोलो किस चीज की हो गई? ये EG की एनर्जी इंक्रीज हो गई. आगे बात समझ में? तो मीन्स जो डी सबशेल के पांच ऑर्बिटल्स थे, पांचों की एनर्जी इंक्रीज हुई है. जो थ्री ऑर्बिटल्स हैं T2g, उनकी एनर्जी कम इंक्रीज हुई, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं सिक्स लिगेंड जो होते हैं ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग के दौरान, दे विल अप्रोच अलोंग द एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस EG वाले दो ऑर्बिटल्स थे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसलिए उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो गई. तो ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स है बोलो वो कौन है? दीज आर दी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर. नीचे वाले जो तीन ऑर्बिटल्स हैं जिसे T2g कहते हैं बोलो ये कौन है? दीज आर दी dxy, dyz एंड द dxz. आ गया बेटा बात समझ में? आ गई यहाँ तक? हाँ जी अंकल. तो इसके बाद ये था ऑक्टेहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर के किस टाइप से स्प्लिटिंग होती है. अब जो साइड वाला डायग्राम था इसको देखो हम क्लियर कर दें, क्योंकि अब हम इसको कंपेयर करेंगे साथ के साथ. किसके साथ? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के साथ इसको अब हम कंपेयर करेंगे. तो कंपेरिजन को आप बड़े ध्यान से देखना. यहाँ पे देखो इसी डॉटेड लाइन को देखो मैंने फर्दर इंक्रीज कर दिया आगे, देखो ऐसे. और यहीं पे अब हम डायग्राम बनाएंगे फर्दर. देखो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है यहाँ पे, और ये डी सबशेल के देखो हमने उसी टाइप से देखो फाइव ऑर्बिटल्स शो किए, और उसके बाद देखो ये फर्दर स्प्लिटिंग हो गई. देखो इनकी इस टाइप से ये EG को हमने नीचे दिखाया, T2g को ऊपर दिखाया, लेकिन इनको हम T2 कहेंगे और यहाँ पे E कहते हैं. दैट्स द डिफरेंस when the tetrahedral splitting takes place. So next point aa jata hai about the tetrahedral splitting.
कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के दौरान नंबर ऑफ लिगेंड्स बोलो कितने होंगे, हाउ मेनी लिगेंड्स विल अप्रोच टुवर्ड्स द मेटल एटम, दीज आर फोर इन नंबर, देयर विल बी द फोर लिगेंड्स। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो लिगेंड्स, जब लिगेंड्स नहीं थे तो जो डी सबशेल के पांच ऑर्बिटल्स थे, पांचों की एनर्जी सेम थी, मींस ऑल आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स। देखो ये पांचों की एनर्जी सेम थी, दीज आर द डी जनरेट ऑर्बिटल्स। Whenever these ligands approaches towards these d subshell orbital, now the splitting takes place. और octahedral के केस में आप देखें बड़े ध्यान से, वहां पे देखो जो एनर्जी का गैप अगर हम शो करें, देखो उस केस में देखो ये डेल्टा, ये एनर्जी का गैप है, इसको हम डेल्टा ई कहते हैं, डेल्टा ई, देखो यहाँ पे डेल्टा ई वन कह दो, और इधर देखें tetrahedral के केस में इसको हम मान लीजिए डेल्टा ई टू कह देते हैं, डेल्टा ई टू। तो बोलो गैप कहाँ पे कम और कहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा है। octahedral के केस में डेल्टा ई वन इज ग्रेटर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई वन इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई टू। व्हाई, ऐसा क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग द सिक्स लिगेंड विल अप्रोच टुवर्ड्स द मेटल आयन एंड दिस सिक्स लिगेंड विल कॉज द मोर स्प्लिटिंग एज कम्पेयर टू ओनली फोर लिगेंड्स इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। वहां पे सिर्फ चार लिगेंड है तो कम स्प्लिटिंग होगी, ऑक्टाहेड्रल के केस में छह लिगेंड है तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, दैट इज द रीजन कि एनर्जी गैप है। अगला पॉइंट यह आ जाता है कि यहाँ पे हमने ई को नीचे क्यों लिखा, मतलब नीचे की साइड में जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके कौन से हैं, दीज आर दी बोलोगॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर, ये नीचे हमने शो किए। ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है थ्री, दीज आर दी डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड द डी एक्स जेड, उनकी एनर्जी अब की बार बोलो क्या है, ज्यादा हो गई। ऐसा क्यों? रीजन बिल्कुल वही, यही सेम डायग्राम आप बना देंगे जो हमने इधर बना रखे थे, बोलो क्या, यही सेम डायग्राम। देखो मान लीजिए हम डायग्राम बना दे डी एक्स वाई का, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, देखो हमने डायग्राम बनाया यहाँ पे, और अब की बार हम क्या शो कर देंगे, देखो ये जो लिगेंड था उसने अप्रोच कैसे किया, बताओ कैसे अप्रोच करेंगे कि एनर्जी इनकी बढ़ गई। पहले वाले का एक्स और वाई लिख दिया हमने, सेकंड वाले में वाई और देखो जेड, और लास्ट वाला एक्स जेड था। तो लिगेंड्स कैसे करेंगे अप्रोच, बताओ कैसे करेंगे, इन बिटवीन द एक्सिस, देखो इस टाइप से आप एल लिख देंगे यहाँ पे, द लिगेंड्स विल अप्रोच इन बिटवीन द एक्सिस, तो इसलिए इनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी, और जबकि जो दूसरे वाले आपके लिगेंड्स होंगे जब वो अप्रोच करेंगे, देखो इसकी तरफ, देखो नीचे दूसरे डायग्राम भी हम बना दें, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर के लिए, उसी टाइप से इनकी डबल 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 शेप ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में, और डी जेड स्क्वेयर में कहां पे, वन डंबल ऑन द जेड एक्सिस, अदरवाइज द एस ऑर्बिटल। तो लिगेंड्स ने बोलो कैसे अप्रोच किया है आपकी बार, इन बिटवीन द एक्सिस, देखो इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड आपके अप्रोच करेंगे, देखो इन बिटवीन द एक्सिस, तो इसलिए रिपल्शन मिलेगी। बोलो क्या मिलेगी, रिपल्शन किसको ज्यादा मिलेगी, आपके डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड को, कम रिपल्शन किसको मिलेगी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर को। रिपल्शन मैंने कम ज्यादा वर्ड यूज किया है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्चुअल डायग्राम क्या था, अभी सिखाया था आपको कुछ पहले, वो तो था एक्चुअल डायग्राम, लेकिन उस पहले वाले हिस्से को हम छुपा लेते हैं आमतौर पर डायग्राम में, बुक्स में भी ऐसा हम कर लेते हैं और सिर्फ यही डायग्राम आपको दिखता है, लेकिन ये थोड़ी पजलिंग जरूर क्रिएट कर सकता है कि जो हम ये बातें यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि एनर्जी सभी की इंक्रीज हो जाएगी, इस डायग्राम से आपको पार्शियली डायग्राम जब बनाएं तो आपको ये लगता है कि वो बात तो गलत है कि आपके जो ई ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड इनकी एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, टी टू की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं। पहले वाले डायग्राम को माइंड में जरूर रखें, पहले वाले हिस्से को हम छुपा देते हैं और फिर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अभी जो हमने क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी थी हमारी, उसका ही पॉइंट था, उसी की एक्सप्लेनेशन है ये, पॉइंट नंबर फाइव की एक्सप्लेनेशन है, जहां पे हमने देखा था कि द स्प्लिटिंग जो होती है डी सबशेल ऑर्बिटल्स की, वो किस बात पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन नंबर वन पॉइंट आपने देखा था, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के केस में आपने देखा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में आपने क्या देखा, जो एनर्जी गैप है टी टू जी और ई जी के बीच वो ज्यादा है, मींस डेल्टा ई वन इज ग्रेटर देन डेल्टा ई टू, टेट्राहेड्रल में कम है। दूसरा हमने देखा था ओरिएंटेशन के ऊपर, ओरिएंटेशन का भी आपने देख लिया, ऐसा क्यों हुआ, ओरिएंटेशन मीन्स स्प्लिटिंग ऐसी क्यों हुई, क्यों का मतलब ये दो सेट में क्यों हुई, और दूसरी बात जब हुई तो ऑक्टेडल के केस में टी टू जी नीचे क्यों रह गए, ई जी ऊपर क्यों चले गए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो डिपेंड किया ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड के ऊपर, के हाउ द लिगेंड्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स द डी सबशेल ऑर्बिटल्स। तो ऑक्टेडल के केस में आपने देखा द लिगेंड्स कैसे अप्रोच करते हैं,
on the axis. While in case of the tetrahedral complexes, the ligands approaches in between the axis. That called the orientation. उसे orientation कहते हैं, जिसके basis के ऊपर जो set थे, आपने देखा octahedral में T2G नीचे होते हैं, EG ऊपर होते हैं, उनकी energy ज्यादा, और tetrahedral splitting के केस में वो reversal हो जाता है, E नीचे रह जाते हैं और T2 ऊपर चले जाते हैं. Next अगला point जो आता है, that is the C point जो point number 5 का था, that is the nature of the ligand, whether the ligands are strong or the weak. वो तो बड़ी basic सी बात है कि मान लीजिए सिर्फ अगर हम octahedral कॉम्प्लेक्सेस ही ले लें, वो तो लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको सिखाया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जब हम यूज कर रहे थे कि कभी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, कभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसा क्यों? तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे किस बात के ऊपर, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बीच. मान लीजिए अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पे देखो ये सिक्स लिगेंड है, इफ दीज सिक्स लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए सिक्स लिगेंड अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होंगे तो ये जो गैप है ना, जिसे आप डेल्टा ई वन देखो ये कह रहे हैं, ये गैप और भी ज्यादा हो जाएगा, ये गैप और भी ज्यादा हो जाएगा, मींस द एनर्जी गैप बिटवीन टी टू जी एंड ई जी बिकम्स मच मोर, और इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर हम आपको ये कह दें कि डी सबशेल के अंदर आप फाइव ऑर्बिटल फिलअप करें, आप फोर ऑर्बिटल फिलअप करें, तो देखो आप कैसे करेंगे, ध्यान देना टी ऑक्टेहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस में देखो वन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन भर दिए ना, देखो हमने थ्री इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर, अगर अब हमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिलअप करना पड़ जाए तो कहां पे शो करें, वो वहां पे शो करेंगे, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिगेंड के ऊपर. इफ द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है, बोलो क्या करेगा लिगेंड स्ट्रॉन्ग, स्प्लिटिंग ज्यादा कर देगा, स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा तो क्या होगा, T2G और EG के बीच एनर्जी गैप बढ़ जाएगा. हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है, स्टेबल, हर चीज चाहती है कि मेरी एनर्जी कम रहे, कम एनर्जी किसकी होगी, T2G की कम एनर्जी है, EG की एनर्जी ज्यादा है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में तो ये स्प्लिटिंग और ज्यादा हो जाएगी, EG की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मीन्स एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आएगा, देखो नीचे ही मैं शो कर रहा हूं, देखो दूसरे कलर से मैंने शो किया, ब्लू कलर से, देखो ये फोर्थ, अगर फाइव इलेक्ट्रॉन भरने तो भी नीचे, सिक्स भरने तो भी नीचे, लेकिन अब सेवंथ इलेक्ट्रॉन तो ऊपर ही जाएगा, देखो अगर सेवंथ इलेक्ट्रॉन को भरे क्योंकि और कोई ऑप्शन बची नहीं तो फिर वो ऊपर चला जाएगा. लेकिन अगर वीक लिगेंड होता तो क्या होता, अब देखो वीक लिगेंड के लिए भी आपको बता रहे हैं, अगर देखो वीक लिगेंड होता तो ये जो डी सबशेल के देखो इलेक्ट्रॉन को हम देखो कैसे फिलअप करते, ध्यान से देखना, हम एक इलेक्ट्रॉन नीचे भरते, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन चला जाता ऊपर, देखो ईजी में, भाई ऐसा क्यों, बिकॉज इन केस ऑफ द वीक लिगेंड, अगर हमारे पास वीक लिगेंड होता तो, जैसे बताया था ना फ्लोराइड आयन एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ द वीक लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब कोई फार्मूला हो आपको ये दिखाई दे जाए, दीज आर द वीक लिगेंड, तो फिर क्या होगा, एनर्जी गैप कम होगा T2G और EG के बीच. लेकिन इस बात को ऐसे इंटरप्रेट मत कर लेना कि टेट्राहेड्रल से भी कम होगा, नो, क्योंकि लिगेंड यहाँ पे सिक्स है, तो T2G और EG के बीच जो एनर्जी का गैप होगा इवन विद वीक लिगेंड वो ज्यादा ही रहेगा टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में तो सिर्फ चार ही लिगेंड होते हैं. आ गई बेटा बात समझ में? हाँ जी अंकल. तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो पीछे हमने थ्योरी पढ़ी थी एक, जिसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते थे, उसने इन में से किसी भी बात को एक्सप्लेन नहीं किया. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कभी यह नहीं बताया कि कोई लिगेंड वीक होता है या स्ट्रॉन्ग, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यह एक्सप्लेन नहीं किया कि डी सबशेल ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग भी होती है, मतलब ये दो सेट बन जाते हैं. आपने एक शब्द पढ़ा था ना, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमने बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड, कुछ कलर्ड होते हैं कुछ कलर्ड नहीं होते, वहां पे वर्ड यूज किया था डीडी ट्रांजिशन. तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि ये डीडी कौन है, देखो जो नीचे T2G ऑर्बिटल है ये किसके ऑर्बिटल है, दे आर डी सबशेल ऑर्बिटल्स, देखो ये डी सबशेल के ही ऑर्बिटल है, नीचे भी डी है, ऊपर जो ईजी है वो क्या है, वो भी डी सबशेल के ही ऑर्बिटल्स है, वो भी तो डी ही है. मीन्स इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना T2 से ईजी की तरफ जाना, दैट कॉल्ड इज द डीडी ट्रांजिशन, और ये डीडी ट्रांजिशन होती है तभी सब्सटेंस कलर्ड होता है. ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने कलर्ड वाले टॉपिक में आपको समझा दिया था. तो ये लिमिटेशन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो डीडी ट्रांजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो ये जो आपकी थ्योरी है जिसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रहे हैं, इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम क्या क्या बातें एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसके बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि हाउ द स्प्लिटिंग ऑफ द डी सबशेल ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, कि स्प्लिटिंग हुई ही क्यों, बताया गया लिगेंड्स की वजह से हुई,
अगर लिगेंड ना होते, पोलर मीडियम ना होता, मैग्नेटिक फील्ड ना होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, तो डी सबशेल के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहती? बिल्कुल सेम। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, व्हेन द डी सबशेल ऑर्बिटल स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? द स्प्लिटिंग ऑफ द डी सबशेल ऑर्बिटल विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, नंबर वन लिगेंड्स की प्रेजेंस में, नंबर टू इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम, क्योंकि पोलर मीन्स वाटर, वाटर भी एक लिगेंड है तो उसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, पोलर मीडियम होगा तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, कोई भी लिगेंड अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। लेकिन इन अब्सेंस ऑफ ऑल दीज क्राइटेरिया, दैट इज द इन द अब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो स्प्लिटिंग विल टेक्स प्लेस। नो स्प्लिटिंग तो डी सबशेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, और नो स्प्लिटिंग तो नो डीडी ट्रांजिशन, और नो डीडी ट्रांजिशन तो सब्सटेंस विल बी कलरलेस। तो सब्सटेंस आपका क्या होगा? कलरलेस। तो मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी सब्सटेंस कब कलर्ड होगा, कब कलरलेस होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये एक्सप्लेन कर दिया कब स्प्लिटिंग होगी डी सबशेल ऑर्बिटल्स की, कब आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कब आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जो लास्ट लेक्चर में जितने भी हमने ये शब्द यूज किए, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरी, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड ऑल दीज वर्ड्स आर द लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये सारी बातें आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन कहलाती है। अगर एग्जाम में लिमिटेशन आ जाए तो आप इन सारी बातों को लिख देंगे, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द लिगेंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ द डी सबशेल ऑर्बिटल, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द सम कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड व्हाइल अदर आर कलरलेस, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द सम और कॉम्प्लेक्सेस सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स व्हाइल अदर आर द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सम आर द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सम अदर आर द हाई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मीन्स ये सारी बातें आप लिख देते हैं तो अभी तक आपने इन डिटेल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में भी समझ लिया। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक यू।